लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में
बहुत बड़ा गौरव का विषय है, भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है। और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।